नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य से आ रही है। बक्सर में हुए नॉर्थ ईस्ट ट्रेन हादसे के पीछे का साजिश का शक जताया जा रहा है। जांच के दौरान कई जगह पर रेल पटरियां टूटी मिली, पटरी से छेड़छाड़ की आशंका है, लेकिन जांच अधिकारी बयान देने से बच रहे हैं। आपको बताते चले कि आनंद विहार टर्मिनल से कामाख्या जाने वाली नॉर्थ ईस्ट के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले की जाँच शुरू हो गयी है। रेलवे बोर्ड ने दुर्घटना के तुरंत बाद हादसे की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए, जिसके बाद अधिकारियों की टीम मामले की जांच में जुट गई है। जांच के दौरान रेल की पटरियां कई जगह टूटी हुई मिली है, पटरियों से छेड़छाड़ की आशंका हो सकती है। अधिकारी यह कहने से अभी साफ बच रहे हैं कि घटना पटरियों के टूटने से हुई या घटना के बाद पटरियां इस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, कि मामले में कोई तकनीकी खामी थी, पटरी पर अवरोध था या ट्रेन के गुजरने से पहले पटरी टूटी हुई थी। इन सभी बिंदुओं पर एक साथ जांच शुरू हो गई है। अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि बक्सर से खुलने के 9 मिनट के बाद नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरियों पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिस समय यह हादसा हुआ, ट्रेन की रफ्तार 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। यही वजह रही है कि हादसे के बाद ट्रेन के एक दो बोगियों को छोड़कर लगभग सभी कोच अप लाइन की पटरी पर आड़े तिरछे जा गिरी। गनीमत रही कि उस समय अप लाइन से किसी ट्रेन के गुजरने का समय नहीं था, वरना रघुनाथपुर के पास भी बालासोर जैसा हादसा हो सकता था। मामले में गार्ड और ड्राइवर ने सतर्कता दिखाते हुए ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना रेलवे कंट्रोल को दे दी। इसके बाद ट्रेनों का आवागमन अप और डाउन लाइन पर आनंद फानन में पूरी तरह बंद कर दिया गया। जांच में पहुंचे अफसरों ने पाया कि काफी दूर दूर तक रेलवे पटरियां टूटी हुई है। रेलवे अधिकारियों ने फिलहाल मामले पर किसी तरह की प्रतिक्रिया से इनकार किया है। रिपोर्टर सन्नी कुमार की खास रिपोर्ट। आज बड़ी दुखद घटना, एक हादसा हमारे बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रघुनाथपुर स्टेशन पर, जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेन दिल्ली की तरफ से आ रही थी, गुवाहाटी जाने के क्रम में वो उसकी कुछ पटरियों से कुछ बोगी उलट गई है। मुझे जो वहाँ से टेलीफोन से बात हुई कार्यकर्ताओं के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा, ऐसे लगभग 3 बोगियाँ, उसमें एसी के 2 हैं, इस प्रकार का पता चला है। और उसके लिए लगातार मैंने रेल मंत्री जी को भी जताई इसके बारे में, साथ साथ जो एनडीआरएफ की टीम है उसके डीजी से बात हुई और समूचा पहुँचे हैं चीफ सेक्रेटरी बिहार, हमारे डीएम, डीजी, जो सब कुछ जो हमारे रेल के जीएम है उनसे भी मेरी बात हुई, वो भी दस कर गए हैं। और सारे कार्यकर्ता, सभी सामाजिक लोगों को मैंने वहाँ टेलीफोन करके, सब लोग वहाँ इकट्ठा होकर के रेस्क्यू में लगे हुए हैं और किसी तरह से उन लोगों की जान बचाई जाए। सारे डॉक्टर्स की टीम को वहाँ भेज दिया गया है, हॉस्पिटल वहाँ टेम्प्रोरी, वहाँ के ब्रह्मपुर हॉस्पिटल और रघुनाथपुर सब जगह पर वहाँ डिप्यूट करके हैं, रेस्क्यू चल रहा है। और मैं स्वयं आया था, कल भागलपुर में एक कार्यक्रम था एमएसएमई का, भारत सरकार का, उस उद्घाटन के कार्यक्रम में जाना था, लेकिन मैं तुरंत नौगछिया में जैसे ही सूचना मिली मैं यहाँ से सीधे वापस रघुनाथपुर की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ, बक्सर की ओर। और देर रात तक जब भी हो मैं अभी यहाँ से जा करके वहाँ पहुँचूंगा और मैं लगातार खबर ले रहा हूँ। मुझे ये खबर हमारे एडिशनल पीएस राहुल ने लगभग 10 बजे के करीब ये मुझे खबर आई, 10:15 में, और 10 बजे के लगभग ये घटना घटी है, ऐसा मुझे जानकारी मिली वहाँ के प्रशासन के द्वारा भी, रेल के जीएम के द्वारा। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सबुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम।
जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। बेहतर उपचार सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहाँ आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहाँ कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहाँ जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।